वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अमेजन को टक्कर देने के लिए मुफ्त वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर कई भाषाओं में वीडियो सामग्री उपलब्ध कराएगी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णामूर्ति ने कहा कि फ्लिपकार्ट वीडियो नाम से शुरू होने वाले प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट फिल्मों और मूवी के अलावा कई भाषाओं में वेब सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा। बेहतर कंटेंट के लिए कंपनी अपने लाइब्रेरी को मजबूत बना रही है। सीईओ ने कहा कि कंपनी भारत के 20 करोड़ ऑनलाइन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए काफ़ी निवेश कर रही है। कंपनी की रणनीति शॉपिंग को बढ़ावा देने के साथ उपभोक्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना और देर तक समय बिताने के लिए रोके रखना है। प्रतिद्वंदी कंपनी अमेजन भी प्राइम के नाम से वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसका सालाना शुल्क 999 रुपये और प्रति महीने शुल्क 129 रुपये है। वहीं भारतीय रेलवे भी जल्द ही अपने यात्रियों को फ्री में वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा देने जा रहा है। रेलवे की इस योजना के तहत यात्रियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सफर के दौरान हाई क्वालिटी फिल्म, समाचार, टीवी सीरियल देखने का मौका मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेलवे ने इस सुविधा के लिए रेलटेल के साथ साझेदारी की है। बता दें कि यह वही रेलटेल है जो पहले से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फ्री में वाईफाई की सेवा दे रही है। इस सेवा के तहत यात्रियों को हिंदी समेत कई भाषाओं में फिल्म, टीवी सीरियल और म्यूजिक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और यात्री इस सेवा का लाभ चलती ट्रेन में भी उठा सकेंगे। रेलवे की इस नई सेवा की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी। बता दें कि बफर फ्री सर्विस देने के लिए ट्रेनों में अलग से सर्वर लगाए जाएंगे। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि वीडियो कंटेंट के लिए किन कंपनियों से या वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के साथ साझेदारी की गई है। जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।